नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी के सातवें महीने के बारे में सारी जानकारी, आपके बारे में, आपके बच्चे के बारे में, और आपके शरीर में जो भी बदलाव होता है उसके बारे में, आपके बच्चे के शरीर में जो बदलाव होता है उसके बारे में, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं प्रेगनेंसी के सातवें महीने के बारे में सारी जानकारी। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रेगनेंसी के सातवें महीने में कौन कौन से लक्षण आपके शरीर में दिखाई दे सकते हैं, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो हाँ मेरी प्रेगनेंसी का सातवां महीना स्टार्ट हो गया है और मेरी प्रेगनेंसी का सातवां महीना शुरू हो गया है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि सातवें महीने से आपकी प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि तीसरी तिमाही स्टार्ट हो जाती है। तो इस समय आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण दिखाई देगा वो है ब्रैक्सटन हिंग संकुचन, यानी कि फॉल्स लेबर पेन। इस समय आपको कभी कभी जो है फॉल्स लेबर पेन आता है, जो कि 30 सेकंड से लेकर एक मिनट तक के लिए हो सकता है, और यह उसके बाद गायब हो जाता है, और यह आपको बार बार होता है, और यह आपके लेबर पेन का अभ्यास पेन होता है। यानी कि आपको जब डिलीवरी होगी तो आपको इसी प्रकार का जो संकुचन आएगा, इसी प्रकार का आपको दर्द शुरू होगा, तो यह एक अभ्यास पेन होता है, जिसको कि फॉल्स लेबर पेन भी कहते हैं। यह आपको सातवें महीने से होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा बदलाव होता है वो ये कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए होता है, आपकी सुरक्षा के लिए होता है। लेकिन क्या होता है कि सातवें महीने में आपका बच्चा नीचे आ जाता है, तो बेबी के नीचे आने की वजह से आपके बच्चे के सर से दबाव बनता है, जिसकी वजह से कि आपको वाइट डिस्चार्ज अधिक मात्रा में होने लग जाता है, और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाता है, और किसी किसी महिला को पतला भी होता है, किसी को गाढ़ा भी हो जाता है। तो कैसा भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए कि वाइट डिस्चार्ज के साथ यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसमें गंदी स्मेल आ रही है, या फिर आपको जलन हो रही है, खुजली हो रही है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो फिर आप डॉक्टर से दिखाइए। अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ महिलाओं को पहले भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर महिलाओं को प्रेगनेंसी के सातवें महीने में क्या होता है कि उनके स्तनों से रिसाव होता है, यानी कि स्तनों से डिस्चार्ज होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो, कुछ महिलाओं को नौवें महीने में होता है, कुछ महिलाओं को नहीं भी होता है। तो घबराने वाली बात नहीं है कि मुझे नहीं हो रहा है तो मैं टेंशन लूँ, बिल्कुल भी नहीं लेना। लेकिन हो रहा है तो इस समय क्या होगा कि आपको लगेगा कि कुछ गाढ़ा सा पीला पीला सा जो है आपके स्तनों से निकल रहा है, जिसे कि कोलोस्ट्रम कहते हैं। और यह जो डिस्चार्ज है आपको दिन में किसी भी समय हो सकता है, और धीरे धीरे करके यह जो बिल्कुल रंगहीन हो जाता है, तो इसी टाइप का होता है। अगर आपको हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लक्षण नज़र आते हैं वो ये कि एपच की, मतलब कि इस समय आपका बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो क्या होता है इस वजह से आपको एपच की समस्या हो जाती है। जैसे कि आपका कई बार पेट फूल जाता है, आपका जी मिचलाता रहता है, और आपको छाती में जलन महसूस हो सकती है, और नॉर्मली सातों महीने से यह समस्या बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि सातों महीने से पहले आपको यह समस्या नहीं होती है, होती है, लेकिन सातों महीना शुरू होने पर यह समस्या आपकी और बढ़ जाती है, और आपको बहुत ज़्यादा ही एपच की समस्या होने लग जाती है। तो ये तो लक्षण हो गए। अब हम जानते हैं शारीरिक बदलाव के बारे में कि इस समय आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो इस समय क्या होता है कि इस समय तक आपका वजन समथिंग 5 किलो तक बढ़ जाता है, और 2 महीने में ही आपका वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने आपको पहले बताया, यदि आपका वजन पूरी प्रेगनेंसी के दौरान 12 से 15 किलो 16 किलो तक बढ़ रहा है तो नॉर्मल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। उससे कम है या फिर उससे ज़्यादा है तो फिर आप डॉक्टर से बात कीजिए। तो इस समय आपका वजन भी 5 किलो तक बढ़ जाता है। इसके अलावा आपका गर्भाशय बड़ा हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है। तो इस समय क्या होता है, जो खिंचाव के निशान होते हैं, जिसे कि स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं, वो आपके पेट पे ज़्यादा बनने लग जाता है, तो एक ये भी समस्या होने लग जाती है। इस समय क्या हो सकता है कि आपका जो गर्भाशय है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, जिससे कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आपको सोने में भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा क्या होगा कि इस समय आपका जो स्तन है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और आपका जो निप्पल का कलर है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा ही गहरा होने लगेगा, और बहुत सारे महिला को तो बिल्कुल ही डार्क हो जाता है, बिल्कुल काला हो जाता है, तो ये समस्या और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। सातों महीने में क्या होता है कि आपका पेट जो है लगातार बढ़ता रहता है, तो इस वजह से आपको चलने में, झुकने में, बैठने में भी काफ़ी समस्या आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, आपका गर्भाशय बढ़ने लग जाता है, तो क्या होता है कि आपके शरीर में जो ब्लड फ्लो है वो बहुत तेज़ी से होने लग जाता है, यानी कि जो रक्त प्रवाह है वो तेज़ होने लग जाता है, जिसकी वजह से कि बहुत सारी महिलाओं के शरीर में सूजन आने की समस्या शुरू हो जाती है। तो यदि आपको भी इस समय सूजन आ रही है तो नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज़्यादा आ रही है, खुजली हो रही है, उसमें दर्द हो रहा है आपको सूजन में, तो फिर डॉक्टर से दिखाइए। अब हम जानते हैं कि इस समय आपके बच्चे के शरीर में क्या क्या विकास होता है। तो इस समय आपका जो बेबी है उसका विकास आधे से ज़्यादा हो चुका होता है,
इसके अलावा इस समय क्या होता है कि आपका जो बेबी है बाहर की आवाज़ों पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इस समय आपका बच्चा जो है अंगड़ाई लेना शुरू कर देता है और जमाइयाँ लेना भी शुरू कर देता है। इस समय तक आपके बच्चे की पलकें और भौं भी आ जाती हैं। सातों महीने में आपका जो बेबी है वो आंखों को खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। प्रेगनेंसी के सातों महीने तक आपके बच्चे की लंबाई 14 इंच के लगभग हो जाती है और इस समय आपका बच्चा समथिंग 1 किलो तक हो जाता है। दोस्तों ये आपके और आपके बच्चे की बात हो गई है। आप जानते हैं कि सातों महीने में आप अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं, तो ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने खाने पीने पर ध्यान देना है। तो इस समय आप क्या क्या खा सकते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इस समय सबसे पहले आपको खाना चाहिए आयरन वाली चीज़ें। तो नॉर्मली इस समय से बहुत सारी महिलाओं में बहुत ज़्यादा खून की कमी होना शुरू हो जाता है, तो इस समय आपको ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जिसमें कि बहुत ज़्यादा आयरन हो ताकि आपके शरीर में खून की कमी ना रहे, क्योंकि खून की कमी रहेगी तो समय से पहले डिलीवरी, इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी में भी दिक्कत आती है। तो इस समय आपको आयरन वाली चीज़ें ज़रूर खानी है। इसके अलावा इस समय आपको कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में लेना है, क्योंकि इस समय आपके बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है, तो बच्चे के अच्छे विकास के लिए कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय आप कैल्शियम भी खाइए। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किन किन चीज़ों में कैल्शियम होता है, किस में आयरन होता है, तो इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जो है वीडियो देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि किन चीज़ों में आयरन होता है, किन चीज़ों में कैल्शियम होता है, किन चीज़ों में प्रोटीन होता है, ताकि आपको एक अंदाज़ा मिल जाए और आप वो सभी चीज़ें खाना शुरू कर दें। इसके अलावा आपको लेना है प्रोटीन, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन लेने से आपके बच्चे की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और आपके बच्चे की मांसपेशियों का विकास भी होता है। और इस समय यदि आप अच्छे से खाएंगे पिएंगे तो आपका बच्चा सही वजन का होगा और आपके बच्चे का विकास भी अच्छे से होगा। तो इसके अलावा इस समय आपको मैग्नीशियम वाली चीज़ें लेना है, क्योंकि मैग्नीशियम कैल्शियम को अवशोषित करने का काम करता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में ऐंठन की समस्या हो जाती है, तो यदि आप मैग्नीशियम वाली चीज़ें लेती हैं तो आपके पैरों में ऐंठन की समस्या भी दूर होती है। इसके अलावा आपको DHA से भरपूर चीज़ें खानी हैं। DHA एक फैटी एसिड होता है जो कि आपके बच्चे के दिमागी विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप संतरा ले सकते हैं, संतरे का जूस, अंडा और कम मरकरी वाली मछली ले सकते हैं यदि आप मछली खाते हो तो, और आप दूध वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा इस समय आपको फॉलिक एसिड भी लेना है, क्योंकि फॉलिक एसिड आपके बच्चे के रीढ़ की हड्डी और दिमाग के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, तो फॉलिक एसिड वाली चीज़ें लीजिए। इसके अलावा डॉक्टर फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट देते हैं, आप वो भी ले सकती हैं। तो महीने से आपका गर्भाशय काफी बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से कि मैंने आपको बताया कि आपको पेट से संबंधित बहुत सारी परेशानी होने लग जाती हैं, कब्ज की समस्या हो जाती है, पाचन तंत्र आपका ठीक से काम नहीं करता है। तो इसलिए आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें कि फाइबर अधिक मात्रा में हो, तो फाइबर वाली चीज़ें खाइए ताकि आपको कब्ज की और पेट से संबंधित समस्याएं ना आए। इसके अलावा इस समय आपको विटामिन सी वाली चीज़ें भी लेना चाहिए। विटामिन सी आपको खट्टे फलों में मिल जाता है, संतरा, कीवी, नींबू वगैरह में आपको आराम से विटामिन सी मिल जाता है। एक तो यह आपके और आपके बच्चे की स्किन को अच्छा रखता है। इसके अलावा विटामिन सी का सबसे अच्छा काम जो है वो ये कि यह आपके शरीर में आयरन को अवशोषित करता है, यानी कि आप जो भी आयरन वाली चीज़ें खाती हैं उसको और अच्छे से आपके शरीर में लेने में मदद करता है। अब हम जान लेते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सोडियम कम खाओ, यानी कि नमक कम खाओ, क्योंकि नमक अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो इससे क्या होता है कि शरीर में सूजन की समस्या और ज़्यादा हो जाती है और आपको और ज़्यादा परेशानी होगी। इसके अलावा जंक फूड और बाहर के जो चाट पकौड़ी होती हैं वो सभी चीज़ें आपको इस समय नहीं खाना है। और आपका बहुत ज़्यादा मन है तो आप घर में बना के खा लो, बाहर से खा भी रहे हो तो बहुत कम खाओ और कोशिश करो कि ना ही खाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है। इन चीज़ों से आपके बच्चे के विकास में भी कोई योगदान नहीं मिलता है, क्योंकि पोषक तत्व है ही नहीं तो विकास क्या होगा, है ना। इसलिए ऐसी चीज़ें खाइए जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपके बच्चे का विकास भी बहुत अच्छे से हो। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ना के बराबर ही पिएं और सिगरेट, तंबाकू, किसी प्रकार का नशा वगैरह ना करें, क्योंकि ये भी आपके बच्चे की हेल्थ पे असर डालता है और आपका बच्चा बीमार रहता है और समय से पहले डिलीवरी होने की संभावना और बच्चे में खून की कमी और सिजरन डिलीवरी का कारण भी बन सकता है। आप इस समय ज़्यादा मीठा भी ना खाएं, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से शरीर फूल जाएगा, वज़न बढ़ जाएगा और फिर आपको ही बाद में दिक्कत होगी, क्योंकि एक तो आपको डिलीवरी के बाद वज़न कम करने में दिक्कत आएगी और ऐसे कंडीशन में कई बार सिजरन डिलीवरी हो जाती है और बच्चे के साथ भी बहुत सारी परेशानी हो जाती है। तो मीठा कम से कम खाइए। इसके अलावा आप इस समय चाय भी कम पीजिए। वैसे तो आपको हमेशा ही चाय कम ही पीना है, लेकिन कोशिश करें कि इस समय आप जितना हो सके पोषक तत्व वाली चीज़ें खाइए, क्योंकि चाय पीने से भूख मर जाती है और यदि आपको भूख लगेगी नहीं तो आप कैसे खाओगे, नहीं करेगा। इसलिए चाय के जगह हेल्दी चीज़ें खाने की कोशिश करें। चाय पीना ही है तो बहुत थोड़ी मात्रा में पीजिए ताकि
आप भी चाय पी लो और आपके बच्चे को कोई नुकसान भी ना पहुंचे। बाकी दोस्तों इस समय डॉक्टर जो हैं आपके एक्सरसाइज को भी बदल देते हैं, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो 7 महीने में कुछ एक्सरसाइज मेरी बंद करवा दी गई थी। तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, कौन सी नहीं करनी है, इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। बाकी इस समय से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं, जैसे कि आपके बच्चे की दिल की धड़कन को देखा जाता है, आपका बीपी वगैरह देखा जाता है, आपके गर्भाशय का आकार देखा जाता है कि कितना बड़ा हो गया है, और यदि कोई संक्रमण वगैरह है तो उसकी जाँच की जाती है। इस समय कुछ डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करवा भी सकते हैं, कुछ डॉक्टर आप बाद में भी करवा सकते हैं, तो वो अपने डॉक्टर के हिसाब से देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए, मैं आपको ये कहूँगी कि तनाव इस टाइम बिल्कुल ना लीजिए, मतलब कि प्रेगनेंसी दौरान तनाव मत लीजिए, क्योंकि किसी भी समय में तनाव लेना ठीक नहीं होता है। तो तनाव बिल्कुल मत लीजिए, अपने आप को व्यस्त रखिए, खुश रहिए, जो भी काम आपको अच्छा लगता है करने में वो आप वो काम करो, और सैर सपाटा करो, एक्सरसाइज करो, एक्टिव रहो, आराम करो, सारे काम करो। इसके अलावा आपको ये भी करना है कि आपको इस समय अपने पेट को बिल्कुल नहीं दबाना है, यानी कि आगे की ओर आपको बिल्कुल भी नहीं झुकना है, और आपको इस तरीके से बैठना है कि आपके पेट पे बिल्कुल भी दबाव ना पड़े। लंबे समय तक आपको खड़े नहीं रहना है, लंबे समय तक आपको बैठे भी नहीं रहना है, इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है पीठ के बल लेटने की, तो आपको ध्यान रखना है कि 7 महीने से आप पीठ के बल कम से कम लेटें, जितना हो सके आप करवट लेके लेटें, और जहाँ तक हो सके आप बाई करवट लेटें, क्योंकि बाई करवट लेटने से बेबी को ऑक्सीजन ठीक से मिलता है। इसके अलावा बच्चे के शरीर में रक्त की आपूर्ति भी अच्छे से होती है। इसके अलावा हम जान लेते हैं कि आपको इस समय डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। देखिए, आपकी तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम है, बुखार है, और बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। इसके अलावा जो आपको फॉल्स लेबर पेन हो रहे हैं, यदि वो 1 घंटे में 4 बार हो रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन यदि उससे ज़्यादा बार हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। समय ज़्यादातर महिलाओं को उल्टियाँ नहीं होती हैं, लेकिन इस समय यदि आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, कभी कभी हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी इस समय आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। समय नॉर्मली आपका गर्भाशय बढ़ जाता है, तो जिस वजह से कि कई बार आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि इस समय यदि आपको पेट के निचले हिस्से में या फिर पेट में कहीं भी बहुत ज़्यादा दर्द है, असहनीय दर्द है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ऐसे कंडीशन में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या फिर आपके पीठ के निचले हिस्से में दर्द है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो भी आप डॉक्टर के पास जाइए। इसके अलावा मान लीजिए कि आपका सूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और सूजन वाली जगह पर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, दर्द हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा यदि प्रेगनेंसी के 7 महीने में आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, रक्त स्राव हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो प्लेसेंटा है, अपरा है, गर्भाशय में नीचे की तरफ आ जाती है, जिस वजह से कि ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और यह काफ़ी खतरनाक स्थिति हो सकती है, तो ब्लीडिंग होने पर डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। और कुछ भी दिक्कत हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, क्योंकि वही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।